रहेंगे, हम तिरंगा फहरा के रहेंगे। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। सरकार अकड़ में है, किसान सड़कों पर है। आज ट्रैक्टर रैली दिल्ली पहुंची। लाखों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 महीनों से अड़े हुए हैं। कल जब दिल्ली पुलिस ने रूट तय किया था, इस रूट से किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो फिर पुलिस ने क्यों रास्ते को ब्रेकेटिंग किया था, यानी रोक दिया था। किसान भी लाठी डंडे खाए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन किसान दिल्ली पहुँच कर ही दम लिया है। ये तस्वीर उन किसानों की है, ये ट्रैक्टर रैली रास्ते में यानी दिल्ली पहुँचने तक किसानों और पुलिस के बीच अलग अलग खबरें आई, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह की हंगामा अब किसान कर रहे हैं। जब ट्रैक्टर रैली नहीं निकलने देने थी तो परमिशन क्यों दिया था, और जब परमिशन दिया तो फिर रोड को क्यों बंद किया था। ये सवाल किसानों की तरफ से है, किसान बार बार कह रहे हैं। आज ऐतिहासिक दिन है, और आज के दिन दिल्ली में ऐतिहासिक परेड और लाखों किसान चलकर पहुंचे, और इन किसानों की सुनिए पुकार, क्या कह रहे हैं किसान। मध्य प्रदेश से आए और इसका जब तक मोदी का सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए यहाँ से। साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी, अब तो हम आपके पास आ लिए, अब तो हमें किसान मान लो युवा भी बात आते हैं। में जो है उत्तर प्रदेश के किसान जो है ये गन्ना बांध के भी आए, झांकियां बना रखी है गन्ने की। किसान नाराज है कि दिल्ली के जाने की इजाजत दे दी गई थी तो क्यों बंद कर दे गया, और ये बस जो है आगे धक्का दे दिया है और बस हटा के जो है किसान के लिए आगे बढ़ने लगे। लाठी चार्ज हुआ है आप हमारे साथ। अच्छा शांति मेरे को आ रहा था, ये कौन सी हो आंसू गैस के गोले छोड़ के हमारे ऊपर, परमिशन है क्यों हो रहा है सब कुछ। आज के गोले छोड़े गए, आज के आंसू के गोले छोड़े गए हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर की है, और इस बार हम नहीं रुकेंगे, ये चाहे जितना गलत चाहे गोली मसा चले रोड पे सटेगा। लोंडे खुसरो वाला काम ना करो, मर्दों वाला काम करो। गंदी करतूत सामने आ चुकी है, इसने आज देश के ध्वज को भी नहीं बख्शा और उस पर भी आंसू गैस के गोले चलाए, गोलियां चलाई और इतनी फोर्स लगा दी। जब ये ध्वज का नहीं मान रख रही तो आम किसानों का, आम जनता का क्या ये मान रखेगी, क्या हम लोगों को। गोली लगी है,